बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे मौजूद पीपल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशली द जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मुंसलिक जितने भी इदारे हैं, ख्वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली इट हैज़ ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन रेज्ड टू मैनी गवर्नमेंट्स ऑल द टाइम। और मैं उस दिन बैठ के बड़ी बात कर रहा था कि ख्वातीन के हकूक़ और एम्पावरमेंट के हवाले से जब हम अपना पूरा बलूचिस्तान में तज़िया लेते हैं, अब मैं ये नहीं कहता कि इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन वी आर जस्ट लिमिटेड टू वेरी नैरो डाउन थिंग्स विच वी फील के ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स मिडिल स्कूल, इससे आगे हमारी मेरे ख्याल ख़वातीन की एम्पावरमेंट, उनके लिए कोई काम करना, उनके लिए कोई लेजिस्लेशन हो, उनको कोई मेकानिज़म हो, उनके लिए मज़ीद कोई काम किया जैसे आगे कोई काम हुआ भी नहीं। अगर हुआ भी होगा तो इट हैज़ ऑलवेज गॉन इन टू अ वेरी बेसिक कॉस्मेटिक स्टेज। खैर, अभी आफ्टर 2018 जब हम अपने पूरे प्रोविंस का एक तज़िया ले रहे थे कि व्हाट वी हैव टू डू एज अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है कि अपने पब्लिक को हर लिहाज से फैसिलिटेट किस किस तरह करे, सो वी आफ्टर असेसमेंट द होल गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड गवर्नमेंट्स मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, हमें ये नज़र आया कि सरकार एक बड़े नैरो अप्रोच के साथ हुकूमत चलाती है। मैं उन सरकार की बात कर रहा हूँ जो चला रही थी, और उसमें बड़े स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस रहता था, और बाकी पूरे बलूचिस्तान में जिस सेक्टर को आप देखें उसमें इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंटल इन्वेस्टमेंट, टाइम, पॉलिसी, मैकेनिज्म, उन सारी चीज़ों में बड़ी कमज़ोरी या बहुत बड़ा एक डेफिसिट नज़र आता था। सो वी स्टार्टेड एन इनिशिएटिवनेस के जहाँ पर हम ये तयन करें कि क्या माशरे में स्ट्रक्चर, रोड, पानी, यही वो चीज़ें हैं जिनसे आपका माशरा बढ़ता है आगे, या कुछ और भी हैं, और अगर वो चीज़ें हैं जो एक माशरे को थोड़ा और मज़बूत बनाती हैं, एक स्ट्रेंथन करती हैं, तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। सो ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनी है हमारे पास, सोशल वेलफेयर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, IT के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, लॉज, लेजिस्लेशंस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट्स, हरासमेंट, ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक पहलू दिखा रही थी कि नथिंग हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन दीज ऑल साइड्स। और उसकी एक स्ट्रैटेजी फिर हम ये बनाने की हमने कोशिश की कि हम सिर्फ एक डेवलपमेंट के कॉम्पोनेंट को सिर्फ सामने नहीं रखेंगे, सारे कॉम्पोनेंट्स को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि ठीक है, आपने कहीं अगर बिल्डिंग बना दी तो सिर्फ एम्पावरमेंट या फैसिलिटेशन काफ़ी नहीं है, आपको लॉ भी बनाने पड़ेंगे। तो एक्ट्स की तरफ हम गए, स्ट्रेंथनिंग की तरफ गए, इसी तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिसमें ख़वातीन को एक रिप्रेजेंटेशन देने की भी ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक सो दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने, मैडम सायरा मेरे ख्याल यहाँ बैठी हैं, शी इज़ आई थिंक सो द फर्स्ट सेक्रेटरी वुमन ऑफ बलूचिस्तान जो आई इस दौर में। इससे पहले मैं तो रिकॉल नहीं करता, शायद 20 ग्रेड तक कोई पहुंची, आई एम नॉट श्योर, दो द नंबर इज़ वेरी लेस, द पोर्शन इज़ वेरी लेस, लेकिन बट आई एम सीइंग द वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ रियली इंक्रीजिंग एंड इन रियली गुड क्वालिटी ऑल्सो। फिर हमने अपनी ख़वातीन की तरफ से, पार्लियामेंटेरियन की तरफ से भी एक चेंज जो इस 2-2.5 साल में जो हमने इनको एक स्पेस दी है, माजी में अगर कोई खातून अगर बनी है पार्लियामेंट का हिस्सा तो उनको बड़ा एक लिमिटेड सा रोल दिया गया था कि जी बस आप हैं, आपका सालाना एक कुछ बजट होगा तरक्यात याफ्ता कामों का, और उस पर भी आपका कंट्रोल 70% नहीं होगा, 30 आपके पास इख्तियार होगा, और आपने बहुत
एक्टिव रोल प्ले भी नहीं करना है, बड़ी एक लिमिटेड वे में अपनी पार्लियामानी निज़ाम में कारकर्दगी करनी है और सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गवर्नमेंट में हमने उसको बड़ा चेंज किया है, हमने बड़ा एक मेजर रोल दिया है और ख़ासकर उन ख़वातीन को भी दिया है, उन्हीं को दिया है जो रिज़र्व सीट पे हमारे पास आती हैं। हालांकि रिज़र्व सीट में माजी में एक बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हमने उनका एक अप्रोच देखा है, चाहे उसमें हेल्थ के हवाले से हो, मैडम रुबाबा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं, मैडम माजबीन हैं वेमेन डिपार्टमेंट के हवाले से कर रही हैं, इसी तरह मैडम बुशरा हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी जिम्मेदारी हमने उनको दी है। ये वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ ख़वातीन अगर एक बहुत बड़े लेवल पे आके अगर अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, इनके अंदर वन इज़ द माउथ स्पीक ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक एक खातून की हैसियत से आप गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन के हवाले से कर रही हैं। वेमेन डेवलपमेंट की अपनी एक नौीयत जिसमें लॉ एंड पार्लियामानी निज़ाम भी है, वो भी एक खातून कर रही हैं। साथ साथ हेल्थ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम में जो हमारी जो एक पॉपुलेशन या हमारा एक एक जेंडर सेट जो इफेक्ट होता है वो ख़वातीन का ही हेल्थ में हमेशा से रहा है। सो कहने का मकसद है कि वी हैव टू, हमें इन सारे चीज़ों को एक साथ आगे ले जाना है, और जब तक हम इन सारी चीज़ों को साथ नहीं ले जाएंगे हम किसी सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेस कभी नहीं ला सकते। और उस प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को, हर उस तरक्याती अमल को, या चाहे वो बजटेड फॉर्म में हो, डेवलपमेंट फॉर्म में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, या किसी और भी सूरत में है, उसको बढ़ाना चाहिए। अब मैं बस छोटी छोटी चीज़ों का आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, बाकी आपके जहन में होगा भी गवर्नमेंट जो कर रही है इसमें, मैं ही नहीं कहता कि ये 100% बहुत अच्छा काम हो रहा है या वो काम हो रहा है जिसको अपने पीक तक है, अपने एक टोटैलिटी में कोई भी गवर्नमेंट करना चाहे वो कर रही है, लेकिन हमने एक स्टार्ट्स को लिया है और इसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, इसी के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ा रहे हैं। और ये आई फील के एक बहुत बड़ा रोल है ख़वातीन का, ये हर सोसाइटी में है। बदकिस्मती से शायद हमारे मुल्क में हमने अभी तक इसको एक सही वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया और वो रोल अभी तक नहीं दिया। पार्टिसिपेटरी लोड डेफिनेटली है लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत कम है, पॉलिसी मेकिंग बहुत कम है, और अगर है भी थोड़ा बहुत उसमें भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां वो अपने आप को फील करती हैं कि शायद जो एक रिप्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए या उनका जो एक इनपुट होना चाहिए चीज़ों के अंदर वो उस लिहाज का नहीं है। सो दिस गवर्नमेंट फील्स, हम ये महसूस करते हैं कि जिस तरह एक जेंडर के हवाले से मेल रिप्रेजेंटेशन हर लिहाज से एक सोसाइटी में इसकी इम्पोर्टेंस है, मैं कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़वातीन का है, क्योंकि अ वुमेन इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जेंडर, बट लाइक ख़वातीन से मुंसलिक बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एक उसका एक रोल बड़ा पॉजिटिव है या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है या उसकी पॉलिसी मेकिंग में उसका ज़्यादा हिस्सा है तो शी कैन रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो एक माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सूरत में हो, लेजिस्लेशन में हो, पार्लियामेंट में हो, ये वो सारी चीज़ें जहाँ उनका इनपुट बड़ा काउंट करता है। एंड इफ़ द क्वालिटी ऑफ दैट जेंडर इज़ वेरी गुड, वेदर मेल और फीमेल, हमने देखा है कि उन सारी चीज़ों में बहुत बेहतरी हम देखते हैं और हम देख ही रहे हैं। लाइक आई एम वेरी, आई मस्ट से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मैडम शाइना भी यहाँ बैठी हैं, मैडम रुबाबा भी हैं, मैडम शाइना इज़ नॉट हेयर, द पार्लियामेंटेरियंस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड डूइंग द बेस्ट फॉर वेमेन इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट ऑल्सो, चाहे अपोजिशन की भी खवातीन हो या दूसरी भी हो या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हो। एंड और इसी तरह मैं, आपने देखा होगा ये पहली गवर्नमेंट होगी जिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे भी खवातीन को एक रोल दे रही है, यानी कि मैं बड़े ख़ासकर हमारे जो नए असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, टू बी मे बी डिप्टी कमिश्नर्स जो आगे भी जाएंगे, या आप सेक्रेटरीट में देख लें कि उनकी एक रोल है, सो दिस गवर्नमेंट इज़ गिविंग देम स्पेस कि ठीक है आपके अंदर अगर इफ़ यू फील देयर समथिंग विच यू कॉन्ट्रीब्यूट इन, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से या आपकी कैपेसिटी से किसी काम में बेहतरी आ सकती है तो वाई नॉट, दे शुड हैव अ रोल, दे शुड हैव अ स्पेस एंड दैट प्लेस ऑल्सो, ताकि वहाँ एक बेहतर काम कर सकें।
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि इट्स नॉट ओनली दैट वेमेन हैव टू बी एजुकेटेड या उनको एक आपने एक कॉलेज तक या एक स्कूल तक या किसी एक सेमिनार तक महदूद किया. ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ सोशो इकनॉमिक. अगर हम अपने रिलीजन से भी सीखना चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. यानी कि ही गॉट मैरिड टू अ वुमन हु वाज अ बिजनेस वुमन, शी वाज अ ट्रेडर. और वो शो करता है इस एस्पेक्ट को कि ख़वातीन अपना रोल अपने एक वेरी रिस्पेक्टफुल वे में अपना रोल हर माशरे की किसी भी चीज़ में रोल अदा कर सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, सियासत हो, काम हो, कुछ भी हो, और करना भी चाहिए. आई थिंक सो प्रमोशन भी उससे मिलती है और एक एक डिफरेंट टेयर भी नज़र आता है. तो हमने डिविजनल सेटअप्स पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं. वेमेन इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं, वेमेन हॉस्टल्स का एक कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं. बहुत सारी ख़वातीन हैं, ऑफिशल्स हैं, जाती हैं अजला में काम करने या अपनी जॉब करने. दे डोंट हैव प्लेस टू लिव, अपने फैमिलीज के साथ कहीं नहीं रह सकती हैं. ख़वातीन के बाज़ार का एक कॉन्सेप्ट पर, इसी तरह उनके स्पोर्ट्स के अंदर भी हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उस फील्ड में भी अगर वो अपना काम, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जिनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं ताकि वो मज़ीद और अपने फ़न में कारकर्दगी लाते हुए चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स जो बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड वो जो एक स्टेटस को एक पॉलिसी और स्टेटस को एक जो माइंड सेट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक पॉजिटिव वे में बेहतर हो रहा है, जिसको होना भी चाहिए. आई थिंक सो इट्स हाई टाइम फॉर आवर सोसाइटी टू रियलाइज थिंग्स इन देयर रियलिस्टिक मैनर में, इन चीज़ों को अप्रोच करने का. और जब आपकी एक हेल्दी सोसाइटी बनती है, जब एक आपका एक प्रोफाउंड एक वे नज़र आता है चीज़ों को पॉजिटिव आगे बढ़ते हुए, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर बेहतरी हमने देखा है कि हर लिहाज से आती है. एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ देयर बाय यू ऑल जो आप यहाँ बैठे हैं. मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे कि आपको जब ख़वातीन की वजह से एक पार्लियामेंट में एक स्पेस मिली है, आपका डेवलपमेंट भी उसी को रिफ्लेक्ट करें. मुझे कभी कभी बड़ी शिकायत होती है ख़वातीन के साथ कि वो ख़वातीन की MPA बनती हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट बजट में ख़वातीन बिल्कुल नहीं होती हैं. यानी कि वो रोड है, नाली है, बिजली है, ट्रांसफार्मर है, बिल्डिंग है. तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अगर आप ख़वातीन हैं तो यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन ऑल दोज थिंग्स जो ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम आए और उनके लिए ये मकसद हो. हालांकि आपने नहीं किया, फिर एज ए गवर्नमेंट हमें करना पड़ा. सो मैं उम्मीद करूँगा कि अगले 2 साल ख़वातीन जो है उसको फोकस करें. और मेरे ख्याल ट्रांसफार्मर, खम्बे, नाली, गली, बाउंड्री वॉल, ये चीज़ें दूसरों को करने दें. आप लोग स्पेसिफिक वेमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को कंसीव करें, उन पे इन्वेस्ट करें और उसी से आपको नाम मिलेगा. कल से आपको कोई नहीं पूछेगा बिकॉज बीइंग एज रिजर्व सीट्स, आप लोग रिजर्व सीट्स में इलेक्शन लड़के नहीं आए. यू हैव कम ऑन और कोशिश करें अपनी ज्यूरिसडिक्शन से भी थोड़ा बाहर निकले, अपने डिवीजन से भी थोड़ा बाहर निकले, अपने हल्का अहबाब से भी थोड़ा बाहर निकले. यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ बलूचिस्तान. तो ये ना हो कि जी मैं अपनी कारकर्दगी या मैं अपना डेवलपमेंट सिर्फ वहाँ खर्च करूँ जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है. नहीं, आपको उससे बाहर जाना चाहिए, आपको दूसरे अजलाओं में जाना चाहिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि ख़वातीन के वो कौन से इशूज़ हैं जो हमारे डेवलपमेंट काम से उनकी वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. हम क्या क्या उनके लिए कर सकते हैं. हम उनके लिए लाइब्रेरीज़ बनाएं, हम उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरीज़ बनाएं, ये जिस तरह के सेंटर्स हम बना रहे हैं इसके हवाले से करें, इक्विप्ड उनको किस तरह बेहतर करें, एंड सो इन वाइस वर्सा मेनी अदर थिंग्स. एंड आई होप इंशाल्लाह इस साल आप लोग इसको थोड़ा फोकस करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को पार्टीज़ के मैनिफेस्टो से हट के थोड़ा सा बात भी करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग. अगर ख़वातीन अपने साथ खुद इंसाफ नहीं करेंगी तो एक बड़ा सवालिया बनता है. यानी कि सबसे बड़ा सवाल तो एक किसी पार्लियामेंटेरियन खातून से ही बनेगा कि जी आपने ख़वातीन के लिए क्या किया. और ये ना हो कि 5 साल बाद आप एक ऑडियंस को देख रहे हैं, आप बोलें कि जी हमने गवर्नमेंट ने किया लेकिन हमने तो रोड बनाया, देखें जी हमने अस्पताल की दीवार बना दी और हमने एक बंद बना दिया, एक डैम भी बना दिया. तो उससे हमें थोड़ा सा हट के कोशिश करनी चाहिए
कि सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ हो उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नेंस के मेथडोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कोशिश है हमारी कि हम उनको और बेहतर करें। बड़ा अपहिल टास्क है, इतना आसान नहीं है, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे कैपेसिटी एक इशू हो, जहाँ पे इलाका एक इशू हो, जहाँ पे एक्सेस एक इशू हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू हो। इन हालात में काम करना सरकार को, ख्वातीन को, मर्दों को या किसी भी सिस्टम को बड़ा मुश्किल होता है। अनलाइक आप अगर केपी में या सिंध में, पंजाब में चले जाएँ जहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बड़ी ईजी है, प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उधर है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शायद क्वेटा में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत नज़र आएगा, बाकी आपको बहुत कम नज़र आएगा। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एक्स सेक्रेटरी ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ऑल्सो मैडम सायरा एंड द करंट सेक्रेटरी जमाली साहब ऑल्सो, कि जमाली साहब के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा टू बी वर्किंग बीइंग अ मैन इनटू लाइक वुमेन डिपार्टमेंट and all, but I'm sure he is giving his best and that's what we all have to do, कि हम कुछ ना कुछ contribute करें, कम से कम जो जिस सीट पर जहाँ तक जब तक है, जिस लिहाज से उसकी contribution है वो बेहतरी की तरफ की जाए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं हैं, कभी कभी ये छोटी चीज़ें मिल के एक बहुत बड़े पिक्चर को शक्ल देती हैं। एंड आई होप कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जब अपने 5 साल पूरे करेगी तो इंशाल्लाह we'll be really honored in doing our best in this field, जिस तरह के बाकी fields में हम कर रहे हैं। तो women development and empowerment के हवाले से जो भी एक policy में जो एक strategy बनी है उसको implement करना भी एक बहुत बड़ा challenge है। सिर्फ policy बनाना असल नहीं है, उस policy को implement कराना, उसको ground पे ले जाना और उसकी जो true essence है उसको लोगों तक पहुँचाना भी बड़ी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, माय गुड विशेस टू द डिपार्टमेंट एंड यू ऑल, कि हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में हर लिहाज से करते रहें, ताकि वी शो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वल जेंडर इक्वालिटी एंड वेमेन में जो हमारी पार्टिसिपेशन है उसको हम हमेशा से एक फ्रंट लाइन पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शो करें टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।